नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पूरे भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 15 अगस्त एक पर्व की तरह मनाया जाता है। आज ही के दिन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। इसी क्रम में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां तमाम सेना से निवृत्त लोग अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। निरत देश हित में भाषण के साथ ही संगठन के सदस्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले सभी ने नेशनल एंथम जन गण मन के साथ झंडारोहण किया, फिर मंच से अपनी अपनी बात रखी, फिर प्रतिगोष्ठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जसवंत सिंह भाकुनी, प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार, प्रदेश सचिव अनिल कुमार सक्सेना, रामलाल जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जसवंत सिंह भाकुनी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं जसवंत सिंह भाकुनी, प्रदेश अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी बरेली उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस पर जो आज कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में कुछ जानना। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं लख लख बधाइयां देता हूं, क्योंकि ठीक आज से 77 साल पहले माँ भारती को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उन वीरों ने, उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत देश को आज़ाद कराया था, उनके इस पराक्रम को, उनके इस साहस को एक बार एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से सत सत नमन। भाइयों, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए फॉर्म किया है क्योंकि सेवानिवृत्त होने के बाद सैनिकों की बाहर कोई नहीं सुनता है, क्योंकि अगर हम एकजुट होके जाते हैं तो कहीं भी हमारी हर बात सुनी जाती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र है। एक मजबूत लोकतंत्र में यही होता है, अगर आपके पास भीड़ है तो आप सारे काम करवा सकते हैं और सारे आपके काम होंगे। हम टाइम टू टाइम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं, अपने सैनिकों की कोई भी अगर उनके पास में कोई समस्या है तो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं और उनका प्रॉपर समाधान होता है, क्योंकि जितने भी सैनिक रिटायर होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस से, वो डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन वाले होते हैं, वेल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म करने का मतलब एक ही हमारा मकसद है, किसी भी हमारे सैनिक को किसी प्रकार की कोई समस्याएं सिविल में नहीं होनी चाहिए। ये जो संगठन है, बरेली में सक्रिय है या फिर? हमारा ये संगठन, हमारी 6 ब्रांचेज हैं जो बरेली से बाहर भी हैं, जैसे बदायूं में हो गया है, उजानी में हो गया है, चंदौसी में है, और बहुत जल्दी अभी आपके रामपुर में खुलने वाली है, और बीसलपुर में है, जिला पीलीभीत में। और ये सब कई इकाइयाँ हैं हमारी, तो टाइम टू टाइम हम इसको और इन्लार्जमेंट करते जा रहे हैं। हमारा मेन मकसद है पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर ब्रांचें खोलना, जिससे कि हमारा भी कोई सेवानिवृत्त सैनिक भाई आता है उसको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सर, अभी आप जैसे कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो जनता से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये संदेश देना चाहूंगा जनता को, देश सर्वोपरि होता है, एकजुट होके सारे 140 करोड़ आवाम भारतीय एक साथ मिलके एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत, एक बलवान भारत और एक क्रियाशील भारत, इसको हमारा मजबूत करना हर भारतीय के भारतीय का कर्तव्य है। इसलिए 140 करोड़ आवाम को एकजुट हो जाना चाहिए, बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परिवारवाद, किसी समाजवाद को छोड़ के, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो 140 करोड़ आवाम भारत की सुरक्षित है। रिसेंट पास में हम सभी ने देखा है कि जैसे चाहे वो अफगानिस्तान का केस हो, चाहे वो श्रीलंका का केस हो,
चाहे वो बांग्लादेश का केस हो, क्योंकि वहाँ पे एक सुरक्षित देश जो है राष्ट्र सुरक्षित नहीं था, इसलिए वहाँ के आवाम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यही चाहूँगा, यही संदेश दूंगा हर व्यक्ति को कि एकजुट हो जाइए, बस भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।